मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। ससुर ने लगा दिया बहू के कमरे में सीसीटीवी कैमरा, उसके बाद जो हुआ उसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। पूरी अपडेट जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने हाई प्रोफाइल परिवार से आ रहा है जो कि एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हैं। ये जो लड़की है वो एक्चुअली में एक कॉलेज में लेक्चरार है और जो पति है वो भी लेक्चरार है। उसी के साथ इनमें एक्चुअली में प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी हुई और शादी आराम से चल रही थी। उस दौरान ही इनके बीच में कुछ न कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आने लग गई जिसके कारण पति पत्नी ने सोचा कि वो डिवोर्स ले ले। डिवोर्स एक्चुअली में लेने के लिए काफी सारी चीजों को अपनाया गया और उस दौरान ही जो पति के जो परिवार में जो उनके एक्चुअली में पिताजी हैं यानी कि लड़की के जो ससुर है वो उस लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए काफी सारे पैंतरे अपनाने लग गए। बताया जा रहा है कि लड़की ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और ये जो पूरा मामला है वो पारिवारिक कोर्ट में जाके दर्ज हो चुका है। और लड़की का आरोप है कि उसके जो ससुर है उन्होंने एक्चुअली में उसको तंग करने के लिए उसकी निजी लाइफ में इंटरफेयर किया है और घर में कैमरा लगाए हैं, बेडरूम में और बाथरूम में कैमरा लगाए हैं जिसके कारण वो काफी ज्यादा तंग हो चुकी है। और काफी बार एक्चुअली में उनको मना करने के बाद भी उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि डिवोर्स अगर होगा तो ये लड़की जो है वो आखिरकार सब पैसा लेके जाएगी, जिसके कारण लड़की जो है घर के अंदर ही बैठी है और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है पति पत्नी के बीच में। पर ससुर जो है वो अभी बहू को तंग कर रहा है कैमरा लगा के। इस दौरान ही पारिवारिक कोर्ट में जब ये मामला गया और उस दौरान ही उस ससुर को इसके बारे में पूछा गया तब ससुर ने बोला कि कैमरा लगाए गए हैं सेफ्टी के लिए और कुछ नहीं, मैं तो कैमरा नहीं निकालूंगा। हालांकि आपका क्या विचार है इन सब चीजों को लेके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।